सो गाइस, अभी आधे घंटे पहले हुआ क्या, मैं शावर ले रहा था अपना। सो नहाते नहाते एक थॉट आया कि मैंने अपने लाइफस्टाइल व्लॉग्स क्यों बंद कर दिए। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनाने और आपको देखने भी अच्छे लगते हैं, आई नो। सो काफ़ी कमेंट भी आए थे लोगों के कि भाई अपने लाइफस्टाइल व्लॉग और ला, और जो मैंने जिम व्लॉग शेयर करा था वो काफ़ी पसंद आया था लोगों को। सो हाँ, मैंने सोचा एक व्लॉग बनाते हैं आज। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह कुछ 10-10:30 बजे से। मैने नाश्ता कर लिया है, आई फॉरगॉट टू व्लॉग दैट, बट हाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ ज़रूर शुरुआत करना चाहता हूँ। ड्रिंक योर वाटर गाइस। ऑल राइट गाइस, सो टुडेज लंच इज़ रेडी। सो देखते हैं ये क्या है। ऑल राइट, दिस इज़ माई फेवरेट कुकुम्बर। सो इस पर मैं नमक डाल के खाने वाला हूँ, अभी इंजॉय करने वाला हूँ। और ये मेरे पास कर्ड है, सो प्रोबायोटिक्स यहाँ से मिल जाएंगे। लेट्स सी लंच में क्या है। सो हाँ, रोटी और अरहर की दाल। नहीं यार, मसूर है ना है ना, मसूर है ना। अबे भाई, ये अरहर मसूर में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना गाइस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो जिन लोगों को कन्फ्यूज़न होता है दालों के नेम में। मतलब लिटरली मैंने अभी 3 बार ही पूछा था मम्मी से क्या है क्या है क्या नाम है, वो ही गलत बोल दिया। सो हाँ, मसूर की दाल, मसूर की काली दाल। एंड ऑल्सो गाइस, वन थिंग, जब भी मुझे व्लॉग बनाना होता है तो मैं पंखे बंद कर देता हूँ ताकि जो व्यूअर का एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। सो हाँ यार, मेहनत तो है, मतलब हर एक चीज़ में मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत इजीली बन जाती होंगी, बहुत इजीली एडिट हो जाती हैं। सो इसी बात के लिए यार, लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन को 4 डालो, कमेंट भी कर देना कुछ बढ़िया। ऑल राइट गाइस, सो लंच इज़ ऑल सेट, आई एम अबाउट टू हैव इट। मॉम ने हमेशा की तरह दिल जीत लिया यार, मज़ा आ गया। क्या स्वादिष्ट दाल बनी है और ऊपर से खीरे, मेरे फेवरेट। हैविंग डिसेंट लंच टुडे। सो जनरली मैं लंच करते करते कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ अपने मोबाइल पे या फिर टीवी पे, मोस्टली मैं मोबाइल पे ही देखता हूँ। सो अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, सो कैसे देख पाऊँगा मैं। सो मुझे अभी मोबाइल की ज़रूरत है अपनी, अपना यूट्यूब चलाता हूँ, आपसे मिलता हूँ लंच के बाद। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, लंच इज डन नाउ एंड इट्स टाइम टू हैव मल्टीविटामिन एंड फिश ऑयल, लेट्स गो। ओके सो हियर इट इज, दिस इज जिंकोविट्स मल्टीविटामिन एंड दिस इज सी कॉर्ड्स फिश ऑयल कैप्सूल्स। आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम सो लॉन्ग। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, इफ यू विश टू हैव इट देन यू कैन। और वैसे इनकी क्वालिटी अच्छी है, जेन्युइन है, तभी मैं लेता हूँ या कंसिडर करता हूँ। सो हाँ, यू कैन ऑल्सो हैव इट। तो वैसे तो मैं लंच के बाद गुड़ खाता हूँ या फिर डेट्स खा लेता हूँ, बट आजकल मैं लंच के बाद चॉकलेट खा रहा हूँ, अमूल की खा रहा हूँ, ये फ्रूट एंड नट। हाँ कभी कभी मन करता है मेरा भी यार, ऑब्वियसली क्लीन डाइट हर कोई पूरे हफ्ते फॉलो नहीं कर सकता है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे भी कभी कभी मन कर जाता है, क्रेविंग हो जाती है कभी कभी। सो हाँ, थोड़ा सा पार्ट खा रहा हूँ अभी। सो गाइस, सबसे पहले आप सबके लिए एंजॉय करिए, मज़ा आ गया यार। अपने मन को नहीं मानना चाहिए, अगर आप कैलोरीज मेंटेन करके चल रहे हैं सो नो इश्यूज। सो जनरली लंच करने के बाद मैं अपना आराम करता हूँ सोफे पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो हाँ, मैं अब आराम करने जा रहा हूँ और मुँह में चॉकलेट है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, डोंट माइंड। ऑल राइट गाइस, सो डन विद माई वर्क एंड इट्स टाइम टू हैव सम प्री वर्कआउट मील। मैं शेक लेने वाला हूँ, 1-1.5 घंटा पहले लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर भी कर रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स हैव इट। सो गाइस, दिस इज द टाइम फॉर प्री वर्कआउट मील और यहाँ पे बन रहा है शेक मेरा, प्री वर्कआउट शेक। इसमें काफ़ी मतलब हाई प्रोटीन रहता है गाइस, कुछ 28 to 30 grams
और आप देख सकते हैं बनाना डलता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं गाइज। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आपको इमेज दिखी होगी कहीं पे बगल में, तो हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करें। सो गाइज फाइनली माई प्री वर्कआउट शेक इज़ रेडी, हियर इट इज़। आई कैन बेट यू गाइज ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस रहता है। मार्केट में शेक मिलते हैं विद हाई शुगर, इसमें ना तो हाई शुगर है, ऑल प्रोटीन, ऑल यू नीड। सो कांट वेट टू टेस्ट इट, अनमैचेबल भाई, लिटरली इतना ज़्यादा सही है ना, प्रोटीन का प्रोटीन मिल जाता है और टेस्ट का टेस्ट भी। बाय द वे अभी मैं केसर ठंडाई फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ मसल ब्लेस का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बट हाँ चॉकलेट को बीट नहीं कर पाया। आप लोग एक बार ऐड करके देखना, फिर मुझे बताना कमेंट्स में कैसा लगा ये शेक। मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी दे रखी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसे बनाना गाइस, मतलब लिटरली हार्डली 5 to 7 minutes लेता है। अपना आराम से बनाओ और एंजॉय करो, पियो, जो जिम नहीं जाता वो भी पी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो जिम वाले हैं वो ही पीते हैं बस भाई स्मूदी, ऐसा कुछ नहीं है। अपना प्रोटीन इनटेक आपको अगर हिट करना है पर डे का सो आप ये ऐड करें, क्योंकि मैंने नोटिस करा है हमारी इंडियन डाइट में ना प्रोटीन की बहुत कमी रहती है, सो प्रोटीन इज़ मस्ट गाइस, प्लीज़ ऐड इट। ये डेली का है मेरा, मैं डेली लेता हूँ, चाहे संडे हो, संडे को भी मेरा ये रहता है मैंडेटरी, संडे को रेस्ट डे माना जाता है, बट हाँ हमें प्रोटीन गोल तो अपना हिट करना है ना, सो यस वी हैव टू टेक मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑन संडेज एज वेल, वी कांट नेगलेक्ट दैट राइट। टर्न विद माय प्री वर्कआउट शेक, यार मज़ा ही आ गया यार, क्या शेक था, इट वाज डैम टेस्टी। और अभी शेक के बाद गाइज मैं रेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेस्ट मोड पे मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई फील सो रिलैक्स्ड। अभी जॉब हो गई है, शेक पी लिया है, अपना आराम से रेस्ट करो। एंड गाइज एक बात बोलनी थी आप लोगों से, आई लव यू सो मच, और हम एक दिन मीटअप करेंगे जब मेरी और ग्रोथ हो जाएगी मेरे चैनल की, सो हाँ शेयर कर देना यार चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्ट रखते होंगे व्लॉग्स में, सो प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट गाइज, सो ऑल सेट टू हिट द जिम, लेट्स गो। सो जस्ट रीच्ड होम, और आज के वर्कआउट में ज़्यादा मज़ा नहीं आया है, सो वर्कआउट था, मेरा मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं गया और मुझे व्लॉग करना था, सो दैट्स वाई यू नो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी थी, मुझे व्लॉग भी करना है, और वर्कआउट तो मिस होने से रहा, क्योंकि वर्कआउट मिस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ज़रूरी है, और मैं नहीं समझता कि यू नो बिना किसी रीज़न के हमें वर्कआउट मिस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी रियली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा मन नहीं कर रहा था टू बी वेरी फ्रेंक आज, बट अगर मैं नहीं जाता जिम तो मैं घर पे क्या करता, मैं बोर हो जाता और टाइम वेस्ट ही होता यार नॉर्मली। सो हाँ अच्छा हुआ मैं चला गया, रिग्रेट भी नहीं हुआ मुझे जिम नहीं गया चला जाता, सो मैंने ये सब नहीं सोचा, और हाँ अपना वर्कआउट करा, व्लॉग करा, आपने देखा ही होगा। सो अभी फ़िलहाल मॉम टीवी देख रही है, मॉम ने भी काफ़ी पूछा मुझे लेगा नहीं लेगा क्या बुलवाएगा, सो हाँ नॉर्मली जस्ट मॉम को दिखा देते हैं, मॉम अपना टीवी एंजॉय कर रही है। तो आफ्टर वर्कआउट मैं अपना स्टेप्स पूरे करता हूँ गाइस, मैं मिनिमम 10,000 स्टेप चलता हूँ डेली के, और मैक्सिमम हो जाते हैं कुछ 25,000, सो हाँ डिपेंड करता है यू नो कितना ज़्यादा मैं चल रहा हूँ एक दिन में, कितना ज़्यादा मन है चलने का, बट हाँ मैं मिनिमम 10,000 स्टेप ज़रूर करता हूँ, और WHO भी रिकमेंड करता है मिनिमम 10,000 स्टेप होने चाहिए आपके। सो अगर आप मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, सो मैं सजेस्ट करूँगा आप चल के वो देखें या चल के वो काम करें, इससे क्या होगा कि आपके स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे और कैलोरीज भी बर्न होगी। ओके सो वर्कआउट के बाद मैंने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक ले ली थी गाइस, और मैंने प्रोटीन लिया था विद वाटर, आजकल कोकोनट खत्म हो रखे हैं तो मैंने पानी के साथ प्रोटीन लिया था। मैं अब एग बॉयल करने जा रहा हूँ, और मैं 6 अंडे खाता हूँ गाइस वर्कआउट के बाद, आधे पौने घंटे के बाद, अपना ऑल सेट है मामला। बाकी थोड़ा सा दूध लेता हूँ मैं रात को सोने से पहले,
और उसमें हल्दी और अश्वगंधा ज़रूर डालता हूँ। सो गाइस 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, और अभी मेरे सामने है खीरे, माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। प्लस ये फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं गाइस। सो गाइस एग्स आ चुके हैं यहाँ पे, और 6 एग्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ मैं, और रुका नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार। सो मैं खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। हाँ, डिनर इज हेयर, और ये छोटी रोटी आपको दिख रही होगी क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट पे चल रहा हूँ गाइस। बाकी परमल है, परमल विथ पनीर, पनीर मैंने ऐड करवा दिया है गाइस, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटीन का भी गोल हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो हाँ, अपना प्रोटीन गोल हिट करें, कांट वेट टू हैव इट। ऑल राइट गाइस, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको दिल से पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे व्लॉग्स और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आप थम्स अप कर देना, वही बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।